आप अपना कोई पर्सनल काम या कोई वैसा काम जो आपका अभी तक नहीं हुआ, जिसमें अड़चन ही अड़चन आ रही है, जी। आप यहाँ पे हनुमान जी के सामने अर्जी लगाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल हिंदुस्तानी। आज हम आपको लेके चलते हैं प्राचीन हनुमान मंदिर जो स्थित है इनोट प्लेस में, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलेगी, हम आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित है। यहाँ से नज़दीकी मेट्रो स्टेशन राजीव चौक है और नज़दीकी बस स्टैंड शिवाजी स्टेडियम है। इस मंदिर के पास बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा बंगला साहिब स्थित है और प्रसिद्ध कनॉट प्लेस मार्केट स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर 1724 ईस्वी के आसपास राजा जयसिंह द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि स्थित है सीपी में, और हमने आज बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण अपनी गाड़ी लगाई है। एनडीएमसी की ऑथराइज्ड पार्किंग है, जस्ट मंदिर से थोड़ा सा आगे जाके नियर ही है। पेड पार्किंग है, पर आवर 15 रुपए आपको उधर के पे करने पड़ेंगे। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं आज मंदिर में बहुत रश है। मंदिर का इतिहास। दिल्ली शहर कई राजवंशों के लिए सत्ता थी। अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत, जहां शिखर के ऊपर का प्रतीक अधिकतर सामान्यतः ओम या सूर्य का चिन्ह होता है, पर इस मंदिर का शिखर पर एक चंद्रमा का प्रतीक है। माना जाता है कि चंद्रमा का प्रतीक मुगल आक्रमणों से इस मंदिर को बचाता था। मंदिर में मुख्य मूर्ति भगवान हनुमान जी की मूर्ति का मुख दक्षिण की ओर है। भगवान हनुमान के बाएं हाथ में एक गदा है और उनके दाहिने हाथ खाली हैं, और उनकी छाती पर राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां बनी हुई हैं। यह माना जाता है कि भगवान हनुमान ने अपने गदे के द्वारा सभी बुराइयों को नष्ट किया। भक्त मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में मंदिर में एकत्र होते हैं। हनुमान जयंती, भगवान जी का जन्म दिवस, हर साल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मंदिर में वीडियो बनाना वर्जित है। हमने आप लोगों के लिए मंदिर के ट्रस्टी से आज्ञा ली, उसके बाद ही मंदिर परिसर की वीडियो बनाई, ताकि आप लोगों को घर बैठे दर्शन करवा पाए। दोस्तों, हम बात करेंगे प्राचीन हनुमान मंदिर के साथ में ही एक दुकानदार हैं जो झंडे और अंदर चढ़ाने के लिए सामान बेच रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा मनोहर शर्मा। मनोहर जी, अभी यहाँ पर जो रश है, अभी हमें देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा रश है आज, तो ये रश है जो मंगलवार को ही रहता है, पूरे दिन इतनी भीड़ रहती है पूरे हफ्ते? नहीं, शनिवार और मंगलवार को होता है, विशेष हनुमान जी का दिन है, ये इस वजह से रश रहता है। पहले के मुकाबले तो अब कम भीड़ हो रही है, पर फिर जिनको लोगों को भगवान पे अटूट विश्वास है, वो लोग तो उनका नाम लेके आ ही रहे हैं और उनके सब संकट कटते ही हैं, तो भीड़ जो है पहले से 70% है। मतलब कोरोना से जो पहले भीड़ थी, कोरोना के बाद अभी 70% भीड़ रह चुकी है, आप ये बता रहे हैं। अच्छा, और ये आपका सामान वगैरह यहाँ पे भी बिक रहा है अच्छे से या कम है पहले से? ना, जो पुराने ग्राहक थे हमारे, वो तो अब है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हो गया। अब नए जो आ रहे हैं भक्तजन, बस उन्हीं से चल रही है हमारी भी दाल रोटी। और इधर ये भंडारा वगैरह जो करवा रहे हैं लोग, तो ये कोरोना का कोई गाइडलाइंस इतनी ज्यादा पालन नहीं हो रही, तो यहाँ पे कोई है नहीं ट्रस्ट वगैरह, इनको बोलते हो कि कोरोना? ये तो राम जी की नगरी, हनुमान जी की, राम भरोसे चल रही है बस। अभी यहाँ तो कोई केस वेस ऐसे अभी हुए नहीं है अभी तक, उनका नाम लेके चल रही है बस, कोई अभी दिक्कत नहीं हुई वैसे तो। आप कब से हैं यहाँ पे? हम तो अभी यहाँ 20 साल हो गए हमारे को बैठे। 20 साल हो गए, तो यहाँ पर मंदिर में 20 साल में कितना परिवर्तन आया है कुछ? हाँ, तो
परिवर्तन यही है यहाँ पे, अभी सबवे वगैरह बन गए हैं, पहले कुछ नहीं होता था यहाँ पे। हाँ, थोड़ा यहाँ ये जूता घर वगैरह बना दिए, ठंडे पानी का यहाँ लगा दिया है पहले प्याऊ के बराबर में, अब थोड़े शेड वेड और बढ़ाने की बता रहे हैं यहाँ पे, आगे लाइन लगेगी, इस वजह से तो परिवर्तन तो आ ही रहा है। ठीक है जी। दोस्तों हम हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर सीपी के, वहाँ के ट्रस्टी से बात करेंगे। सर आपका नाम? मैं वेद प्रकाश शर्मा। शर्मा जी, ये मंदिर के बारे में बताइए, मंदिर कितना प्राचीन है? ये मंदिर जो है ना पांडव काल से प्राचीन है, पांडव काल के उसे बना है, इसका निर्माण जो कराया महाराजा जयपुर के महाराजा जयसिंह ने बनाया था, कराया था। तो ये जब से है ये प्रतिमा जो है हनुमान जी की आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, ये दक्षिण मुखी हनुमान जी है और इनके साथ जो है ये यहाँ प्रतिष्ठित नहीं है, ये यहाँ से प्रकट हुई है। अच्छा, और मान्यता ज्यादा का मान्यता की बात कर रहे हैं, आपने पीछे क्वेश्चन किया था, मान्यता वो ये है कि आप यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, यहाँ लाखों के श्रद्धालु आते हैं, वो मान्यता की बेस पे आते हैं। जहाँ मान्यता की बात है, मान्यता ये है कि मैं आपसे ये कहता हूँ, आप अपना कोई पर्सनल काम या कोई वैसा काम जो आपका अभी तक नहीं हुआ, जिसमें अड़चन ही अड़चन आ रही है, जी जी, आप यहाँ पे हनुमान जी के सामने अर्जी लगाइए, 40 दिन का रेगुलर आइए, उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा आपका काम कितनी मान्यता है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं, यहाँ सब हर धर्म का लोग आते हैं, यहाँ पे हर धर्म के व्यक्ति आते हैं जी, चाहे उसमें माउंटेन भी आते हैं, लोग कहते हैं नहीं जाते हैं लोग, वो भी बहुत आते हैं, हम जिनके हम परिचित है वो आते हैं, सदा सिख लोग आते हैं, आपके क्रिश्चियन लोग आते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट में ये हर धर्म का लोग यहाँ पे बाबा के दर्शन करने आते हैं और अपना प्राप्त करते हैं दर्शन, या जो आशीर्वाद उनको मिलता है प्राप्त होते हैं, उनकी सारी चीजें मनोकामना पूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रस्ट है जो किसके नाम से बना हुआ है, आगे हेड कौन है? श्री हनुमान जी महाराज मंदिर ट्रस्ट बाबा खड़ा सिंह मार्ग प्लेस दिल्ली। और अगर डोनेशन देनी हो तो किस किस माध्यम से दे सकते हैं? इसे मंदिर ट्रस्ट के नाम से दीजिए, श्री हनुमान जी महाराज मंदिर ट्रस्ट, अकाउंट नंबर ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन अभी करने जा रहे हैं, अभी है नहीं, ये हनुमान जी महाराज के लिए जो है ना ये उसमें है, आप किसी की फोटो ले सकते हैं और किसी को अकाउंट नंबर भी हम दे सकते हैं, ICF कोड भी दे सकते हैं, जिसे आपकी श्रद्धा हो जाए। तो ये सारा रख रखाव ये हनुमान ट्रस्ट जी मंदिर हनुमान जी ट्रस्ट। ठीक है शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी। जय श्री राम, जय हनुमान, बाबा आपकी मनोकामना सारी पूरी। दोस्तों अभी हम दर्शन करके आए हैं हनुमान मंदिर के, तो आज बहुत ज्यादा रश था, तो बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपनी फैमिली को शेयर करें, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिले, थोड़ा सब्सक्राइब मिले, लाइक मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।